हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का दिन है बहुत ही बढ़िया। आज हमें थोड़ा सा मार्केट का काम करना है, एक दो तो देखते हैं। तो उसमें दो तीन अजीत के काम है और एक दो काम मेरा है। तो मैंगो इधर आओ, देखो देखना, ये आ गया मिला मैंगो। मेरी गुगली आ गई भाई मम्मा की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इसको पता नहीं कैसे पता लग जाता है ये अंदर से आ रही है। मटक मटक के आ रहे थे ना आप अंदर से मम्मा के साथ भोग में आने के लिए। हाँ 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 हाँ, मस्त। अभी हम 10-15 मिनट में निकल जाएंगे। तो हम दोनों आज फ्री थे तो हमने सोचा कि जो हमारे पेंडिंग के काम है हम उनको खत्म कर लेते हैं। हम जा रहे हैं अब अपने काम के लिए, तो हम आपको रास्ते में मिलते हैं। चलो, मैंगो जा रही है जाने की। आपके लिए चिज्जी लेके आऊंगी। इधर देखो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इधर मैंगो, इधर आपको बनाना खाना है ना। आप देखना देखना, ऐसे 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 धक्का मारा है ना पापा को इतनी जोर के। 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे हम। चलो वापिस, चलो चलो बॉल के साथ खेल लो, आ जाओ। तो जी अब हम आपको नीचे जाके मिलते हैं, देखते हैं। मौसम तो वैसे सही हो रहा है, देखते हैं कैसा लगता है। क्यों हम आज हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि फिर आपको पता है फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, और अगर एक बार फेस्टिवल शुरू हो गए तो फिर काम तो फिर सारे ही लेट हो जाते हैं जो आपके वैसे होते हैं, फिर इतना ध्यान दिया नहीं जाता। इस कारण आज हम फ्री हैं तो हमने सोचा कि आज हम 1-2 घंटा लगा के ना, 1-2 घंटा लगा के अपना काम जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो अब हम आपको रास्ते में मिलेंगे। तो आप अजीत से नहीं मिले हो ना, अजीत से मिल लो। ये रहे जी। आपने बताया हम कहाँ जा रहे हैं अपने काम खत्म करने के लिए? नहीं, हम मैंने तो मैं क्या से बताऊं, मैं तो अभी रहा हूं मेरे काम। हाँ हाँ, मैंने बता दिया था सारा कुछ। इतने बाल बाल बड़े उठते रहते हैं। तो हमारी ना एक यहाँ पे बात चल रही है दो दिन से, मतलब कल से ही चल रही है। क्या बात चल रही है अजीत, बताएंगे क्या बात चल रही है? मैं कह रहा हूँ हर्षा से कि जो ब्लॉगिंग है ना, वो पंजाबी लैंग्वेज में करनी चाहिए। दो दिन से हमारे यहाँ डिस्कशन चल रहा है कि हमें ब्लॉगिंग जो करनी चाहिए। मैं पंजाबी में ब्लॉगिंग करूँ? पंजाबी में ब्लॉगिंग करनी चाहिए। अब पता नहीं क्यों पीछे पड़े हुए हैं मेरे, क्यों पड़े हुए हो भाई बताओ। एक बार करके दिखाना तो देखना कैसे ब्लॉग होगा। मेरे हिसाब से तो अच्छा रहेगा क्योंकि पंजाबी जो लैंग्वेज है ना वो काफी अच्छी लैंग्वेज है, बोलने में भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, है ना। तो थोड़ा थोड़ा बीच में आपको पंजाबी का टच देंगे, तो आप देख के बताना कमेंट करके कि कैसा लगा आपको। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मैं तो ब्लॉगिंग पंजाबी में कर लूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है ब्लॉगिंग पंजाबी में ना करने में। बट ये है कि इन महाशय को समझ आएगी। अच्छा, मैं ब्लॉगिंग, मैंने इनको बोला, मैंने कहा ठीक है, नहीं एक मिनट, मैंने बोला है कि मैं ब्लॉगिंग पंजाबी में पक्का करूँगी। बट उसका एक ये रहेगा वो के मतलब इनके लिए कि भैया तुम्हें ना फिर मुझे वो जवाब सारे पंजाबी में देने होंगे, तो उस चीज के लिए बताओ तुम तैयार हो। तो तुम तैयार हो? हाँ, पंजाबी में समझ सकता हूँ पर बोल नहीं सकता। तो मतलब अगर मैं तुमसे पंजाबी में बात करूंगी फिर तुम मुझे हिंदी में जवाब दोगे तो फिर वो कैसे बात बनेगी? या तो तुम भी फिर पंजाबी में बात करना मेरे से। मैंने सही बात बोली है ना, बताओ। तो उसके लिए पंजाबी सीखनी पड़ेगी फिर। तो फिर वो होता है तभी आप सीखोगे ना, जब मतलब बोलोगे उस चीज को के नहीं। अच्छा, मैंने गलत बोला? लेट्स ट्राई तो ठीक है, ट्राई तो तभी करेंगे। तो अभी ये मेरे पीछे पड़ रहे हैं कि तू ब्लॉगिंग पंजाबी में क्यों नहीं करती, तुझे तो आती है और तेरे मुंह पे भी अच्छी लगती है। तो मैं कहीं ना कहीं मैं सोचती भी हूँ कि हाँ मैं भी सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉगिंग जो है ना करती हूँ। मैंने डिसाइड किया ऐसा करते हैं, देखो हाँ। एक ब्लॉग ना पंजाबी में करते हैं, हाँ। नेक्स्ट ब्लॉग अपना, हाँ। और आप ना कमेंट करके बताना कि कैसा रहा ब्लॉग, कैसा रहा। अगर अच्छा रहेगा तो आगे से पंजाबी में कंटिन्यू करेंगे हम। हाँ। देखो मेरे को तो पंजाबी आती नहीं है, हाँ। सीधी सीधी बात है, मैं समझ लूंगा। हाँ। और आप भी समझ लोगे, आई एम श्योर। हाँ, समझ तो सकते हैं, बोलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, नहीं हो पाती। मेरी मम्मी मतलब मेरे जैसे मेरे पापा पंजाब के थे, है ना, मलेरकोटले से हैं हम। बाय बर्थ मेरा जो बोन है वो मलेरकोटला पंजाब में है, और मेरी मम्मी अंबाला कैंट की थी। तो मेरी मम्मी की शादी 40-45 साल जितना भी साल रहा, वो पूरी इतने सालों में वो हिंदी बोलते थे घर में हमारे,
वो इतने सालों में पंजाबी नहीं सीख पाए, मेरे को तो इस चीज की हैरानगी तो मैं तो, पर ये है कि अजीत में एक ये प्लस पॉइंट है, पहले मैं ना मेरे को पंजाबी नहीं आती, नहीं इनको समझ भी नहीं आती थी, समझ भी नहीं आती मैं थी। बोल जाती थी ना कुछ तो इसको समझ नहीं आता था क्या बोल के निकल गई है, और मेरे लिए फायदा होता था कभी हमारी छोटी मोटी कोई लड़ाई वड़ाई होती थी ना तो मैं पंजाबी बोल के, अच्छा मेरी पंजाबी दो उस पर निकलती है, फर्स्ट जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तब मेरी पंजाबी बाहर आती है, सेकंड तब आती है जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, तो जब मेरे को गुस्सा आता था ना तो मैं पंजाबी में कुछ भी बोल के निकल जाती तो कुछ समझ नहीं आती थी, फिर इसने है ना मतलब जैसे पंजाबी गाने पंजाबी मतलब इसने ना सुनना शुरू करा और वो फिर इसे पता चल गया कि अच्छा मुझे ये चीजें बोल, कैसे हुई मुझे पंजाबी देखो बिल्कुल नहीं आती थी पहले, तो मैंने क्या करा धीरे धीरे ना पंजाबी मूवी देखना शुरू किया, मूवी देखना शुरू किया तो धीरे धीरे आइडिया लग गया कि बोलते कैसे हैं, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में भी आने लगा, समझ में आने लगा, अब देखो मूवी में भी पंजाबी घर में भी पंजाबी तो टोटल थोड़ा दिमाग में चला गया मेरा थोड़ा बहुत कि पंजाबी लैंग्वेज है कैसी थी, तो कैसी लगी तुम्हें पंजाबी, अच्छी लैंग्वेज है काफी बहुत बढ़िया, उसमें आप कुछ भी बोल लोगे ना तो बड़ा प्यार से निकल के आता है, तो देखते हैं करती हूँ कोशिश मैं भी, चलो मैं देखती हूँ जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा ना वो मैं अपना पंजाबी मतलब पंजाबी बोलूंगी उसमें मैं प्रॉपर, तो फिर आप मुझे बताना कि मेरे व्लॉग्स जो हैं वो हिंदी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं पंजाबी में, तो जैसे भी सही बैठेगा और मैं मेरे को पता लग जाएगा कि मेरे को पंजाबी में ज़्यादा अच्छी व्लॉगिंग कर लेती हूँ या मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छी व्लॉगिंग कर लेती हूँ, क्यों हाँ बिल्कुल सही है ना, सही है हाँ। तो चलो अब चलते हैं अपने रास्ते में, यहाँ पे हम अपना हम पहुँच गए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे, तो यहाँ पे हम अपना काम खत्म करके हम अपने जहाँ पे भी हम जाएंगे हम आपको दिखाएंगे, चलो फिर हेलमेट के अंदर मोबाइल, ये बढ़िया तरीका है बात करने का, हेलमेट के अंदर मोबाइल घुसा रखा है, तो हम आपको नीचे जाके मिलते हैं, तो हमारा यहाँ का तो हमारा काम पूरा हो गया है ना डेना, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और धूप देख लो देखो कितनी तेज धूप हो रही है, काम भी हो गया अब हम अपने चले नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ये तो एक जगह रुक जाए बंदा पर एक जगह रुक के काम बड़े होता है, किट की भीड़ और अजीत को इस भीड़ में आना बिल्कुल पसंद नहीं है ना अजीत, और कान्हा जी के रुक जाओ मैं कान्हा जी के कपड़े देख लूँ जरा, तो जी हमारी ना मार्केट में घूम घूम के एनर्जी हो गई है डाउन और अपने आप में पेट्रोल फ्यूल भर रहे हैं ताकि आगे जो बाकी के पेंडिंग काम है वो हम अपने प्रॉपर कर सकें, नहीं जूने में एनर्जी आती है ना जब एक गुड़ भरता है तो वो कहता हाँ 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 मजा आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता तुम्हें ना, मेरे को कभी कभी नहीं होता तो जी हम खा रहे अपनी सॉफ्टी, हम ना राशन पत्ता लेने आए, वो तो हम ले नहीं सके क्योंकि अजीत की टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया और ये कह रहा मेरे में और हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ पे घूम सकूँ, वो घूमना पड़ता बहुत ज्यादा ना, अपने डॉग के साथ भाग रहा, हमारी मैंगो भी ऐसे ही भागती है साथ साथ भाग रहा, हमारे वाली भी ऐसे ही भागती है, वो बेचारी क्या कर रही होगी बैठी देख रही होगी इधर उधर कब आएगी मेरी माँ, है हाँ उन्हें कुछ ना कुछ तो करा होगा पक्का, मैंगो को हम जब भी घर पे छोड़ के जाते हैं ना तो मैंगो कुछ ना कुछ तो करती है पीछे से, आज देखते उसने क्या कुछ नया कांड करा होगा, पर कभी कभी उसका दिमाग चढ़ जाता है साथ में आसमान पे, फिर नहीं वो छोड़ती कुछ भी घर में, फिर तो जो देखो ने हमारा फोन वाला ब्लॉग देखा था इसमें मैंगो ने फोन तोड़ दिया गुस्से में आगे अजीत का, देखना मैं उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डालूंगी तो आप वो वाला ब्लॉग देख, दो फोन बना, हाँ एक फोन के दो फोन बना दिया उसने, तो अब हम आपको ना घर पे जाके मिलते, इस मैंगो ने कोई भी गंदा काम नहीं करा आज मैंगो साहू बच्चा बन के बैठा रहा घर में जा रहा है ना, आज मैंगो ने दो घंटे बड़े अच्छे निभाए हैं घर में, साहू बच्चा बन के रहा मेरा बेटा है ना, मेरे बच्चों मेरी गुगली सी आ जा नीचे के, उल्टा काम नहीं करा ना कुछ काटा सब कुछ सही करा, हाँ देखो देखो कितनी खुश है, खुश हो रहा बेटा बड़ा बड़ा खुश हो रहा, हंस रही है ये सोच रहा है, हाय रे। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट कि मैं क्या लाई हूँ, फोन तो कर रही था, ये टी शर्ट्स हैं अजीत की,
जैसे राखी आने वाली है तो उसके लिए ये राखी है कुछ, और ये जो उस पे लगाते हैं दरवाजे पे लगाते हैं ना। तो जी हाँ, इसी के साथ पता है क्या हुआ, अजीत ना मैंगो को ऐसे जफ्फी पाके, अजीत ने ये ऐसे लेके पड़े हैं जफ्फी पाके, तो ये ना अजीत के ना मुंह पे छींक रही है बार बार कि मुझे, एक्चुअल में क्या है ना ये जानबूझ के छींकती है कि मैं छींकूंगी और ये मेरे को छोड़ देंगे, तो फिर इसको ये हो रहा है कि इसको पता है भी मेरे को खाने पीने का सामान आया मेरा, तो इसकी टेंशन दिमाग, ये देखो इसकी आंखें ना यही है ना मैंगो, ये देखो इसकी मुंडी देख लो, ये देखो इसकी मुंडी, इसकी मुंडी सामान में ही है कि क्या लाई है, चीजी आई है, हाँ छोड़ना, देखना देखो ये देखना, देख कैसे भागी, देखना इस मुआयना करेगी सारे में सूंघ सूंघ के, ये व्लॉग आएगा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और हाँ वो व्लॉग मैं जो है पंजाबी में ही करूंगी शूट उसको। और अगर आपको मेरा व्लॉगिंग और मेरा चैनल और मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मैंगो मैंगो बाय।